अच्छा कोई अपने अपने जमानों के ना किससे सुनाए, अपने अपने जमानों की शादियों के ना, जरा आप सब लोग तो किससे शुरू करें? आपसे शुरू करें। पहली जंगे अजीम हुई, दूसरी जंगे अजीम हुई, सैलाब आया, सूरज ग्रहण लगे और मेरी शादी, ये भी वैसा ही डिजास्टर। क्यों भाई आपकी शादी पे ऐसा डिजास्टर क्या हुआ? डिजास्टर यही हुआ कि मैं हीरोइन बन चुकी थी, वही उसी तरह लुक छुप के शादी की। अच्छा, मतलब फैमिली के लोग बैठे, पब्लिकली नहीं। अच्छा, अच्छा। अगर मेरी शादी पे बुलाने लगते तो पूरा पाकिस्तान आता। हाँ। तो इसलिए वो फैमिली के जो लोग थे उसी तरह बकायदा छोटी छोटी हल्की फुल्की रस्में, दूध पिलाई हो गई, वो सारा जो दिया जाता है दुल्हन को, तमाम मेहंदी वेंदी नहीं हुई। अच्छा, निकाह जब हुआ तो फिर तमाम रसूमात उसी दिन हुई। तो इस तरह ना बड़ी मिस्कीन सी शादी, बड़ी ग्लैमर गर्ल की। तो आपको आपका दिल नहीं चाहता था कि मतलब ना फेम सब कुछ और ग्लैमर से हो, जैसे आपकी आपने अपनी बेटी की जी, वैसे जी। आपका दिल नहीं चाहता था कि लाइक वो कि मेरी शादी जो है वो बड़ी ग्लैमरस हो, मैं भी तो हीरोइन हूं। मैं अपना करियर जो है उस पे दांव पे नहीं लगाना चाहती थी, मेरा करियर खराब ना हो। मेरा मैं टॉप क्लास हीरोइन थी। अच्छा। लेकिन मेरी बेटी की ख्वाहिश थी, वो तो कहती कि अम्मी मेरी जान भी चली जाए, मेरा करियर भी चला जाए। इसीलिए तो जो लोग मुझे कहते हैं ना कि आप शादी पे क्यों नहीं राजी थी, शादी पे क्यों नहीं राजी थी अपनी बेटी की, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ। मैंने मुझे कहती कि आप अगर मुझे फिल्मों में नहीं लाएंगी तो मैं जान दे दूंगी। और डेढ़ दो दिन इसने कोई चीज़ नहीं खाई, इसका बीपी लो हो गया, हॉस्पिटल ले गए, और फिर मुझे ताने देने लगी गंदे गंदे, आप इसलिए मुझे नहीं हीरोइन लाना चाहती, आपकी उम्र का पता चल जाएगा। तो उसके बाद बहरहाल मैंने कहा कि जितनी एफर्ट करके ये फिल्मों में आई है, अब एस्टैब्लिश हो गई है, आधी आधी फिल्में करके कहती बाकी की फिल्म मैंने नहीं करनी। हाँ। इतनी मैच्योरिटी कि भाई आधी फिल्म कौन कंप्लीट करेगा। तो फिर मैंने कहा कि जो करनी है साइन वो आप कंप्लीट करें। हाँ। बाद में आप ना साइन करें। फिर मुझे ये खौफ पैदा हो गया कि जितने शौक से ये फिल्मों में आई, उतनी शौक से उतनी ये क्रेजी हो रही है शादी के लिए, ये खुदा ना खासा माँ नहीं चाहती, ये मेरी अपनी इंसिक्योरिटी थी। हाँ। कि मैं अपनी इंसिक्योर फील कर रही थी कि फिल्मों में करियर के बारे में ऐसा कर लिया, फिल्म के बारे में ऐसा ना करें। हाँ। फिल्म में शादी के बारे में, शादी तो एक ऐसा बंधन है, लेकिन थैंक गॉड जो मेरी मुखालफत थी वही उनको शादी निभाने पर मजबूर किया, मजबूत किया। और यही शादी की बेटी की मजबूती मैं चाहती थी कि फॉर एवर शादी हो, कभी टूटे ना, कभी झगड़ा ना हो, कभी कुछ ना हो। हाँ। अगर मैं इतनी एहतियात ना करती। हाँ। इतनी मुखालफत ना करती। हाँ। ये मेरा, हालांकि उस जमाने में मीडिया ने इस बात पे बड़ा इशू बनाया, बिल्कुल बनाया, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे ये नहीं कहा कि बे एहतियाती की माँ केयरलेस थी। हाँ। लड़की अगर खुदा ना खास्ता रैम्बो इतना अच्छा ना होता, इतना सिंसियर ना होता उस वक्त, यू नेवर नो ना। हाँ, वक्त ऐसा होता है, धोखा दे के चला जाता। हाँ। लोग कहते कि तुम तो समझदार थी, खुदा ने मुझे उस ताने से बचाया। हाँ। नहीं, रैम्बो बहुत मुझे उस ताने से बचाया, लेकिन उस वक्त तो मैं ना पामिस थी, ना इंसान गैब का इल्म जाता है। मैंने उसकी शादी की, बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने देखा, और मैं एक अपनी अंदर की कहते हैं ना फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, मैं वहाँ की फीलिंग आपको बता रही हूँ कि जब फर्स्ट टाइम पहला फंक्शन हुआ उसकी मंगनी की, तो वे गाना था नच पंजाब पर नच। तो आई डोंट नो कि मुझे खुशी की इंतहा नहीं हुई, और वो गाना चल रहा था, सब लोग बैठे थे, मुझे समझ ही नहीं आई, जैसे अनकॉन्शियसली नहीं इंसान करता, मैंने उठ के उस पर डांस करना शुरू कर दिया। कि मेरी बेटी की मंगनी है, मेरे लिए बिल्कुल ये एक नई चीज़ थी और बड़ी एक्साइटिंग चीज़ थी, और मैं उस पर डांस की, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अंदर से कितनी खुश हूँ। लेकिन जी पाशा साहब, जैसे आपने कहा कि एहतियात को लोगों ने नेगेटिव लिया, आज मैं उसी कपल के लिए दुआएं करती हूँ। और एक वाकया मैं आपको मजेदार सुनाऊं। जब मान गए तब भी हम ना झूठ मूठ लड़े लड़े रहते थे कि तो मैं तो रैम्बो के खिलाफ हूँ, वो भी कहता हाँ जी बस ठीक है। तो शादी मंगनी हो गई, क्योंकि स्टेज पे लोग हमारे झगड़े को कैश करा रहे थे, टीवी पे कैश करा रहे थे, आम लोगों में बहुत ज्यादा ये था। तो उन्हीं दिनों मंगनी के बाद जब शादी तय होगी, मैंने तैयारियां शुरू की, मैं गई पेशावर नौशहरा। अच्छा। उस पे ना प्योर सिल्क,
क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम था पिशावर में, उनका बिजनेस था वहाँ पे, ऑफिस वगैरह उन्होंने लिया हुआ था, तो हम लोग जाती थी मैम बहुत जी। ऑलमोस्ट ज़्यादा शॉपिंग जो है साहिबा और रेम्बो की वो मैंने बाड़ा हयातबाद बाड़ा से। अच्छा अच्छा अच्छा। नौशहरा रास्ते में आता है तो वहाँ पे कपड़े का प्योर सिल्क, प्योर शिफोन, रॉ सिल्क। तो मैं गई एक दुकान पे, मैंने कहा खास साहब, ओ बाजी नीचे आ गया, बाजी नीचे आ गया। मैं क्या आ गया, नहीं आ गई, आ गए। तो बात यह है कि मैंने कहा मुझे प्योर सिल्क चाहिए मर्दाना शलवार कुर्ते के लिए। अच्छा। मेरे हस्बैंड ज्यादातर सूट पहनते। अच्छा। तो बस शलवार कुर्ता और उस पर मैंने कढ़ाई करानी है, ये मेरा अपना शौक था रेम्बो के लिए। तो मैंने कहा वो मुझे चाहिए रॉड, 80 ग्राम रॉड जो होती है ना वो वाली। कहते अच्छा। उन्होंने कहा कि बाजी एक बात बताओ, तुम फिल्म वाला कितना झूठ बोलता है। मैंने कहा क्या झूठ बोलता है। कहता इधर तुम अखबारों में उसके खिलाफ बोलता है, वो तुम्हारे खिलाफ बोलता है, इधर तुम कहती हो कि प्योर सिल्क दिखाओ, हमने 16-17 किस्म के आपको सिल्क दिखाया, आपको पसंद नहीं आता, और वहाँ आप लड़ रही हो। तो फिर उसने सिल्क ला के दिया। मैंने रेम्बो के जोड़े। अच्छा, जैसे जैसे आपने एहतियात बरती अपनी बेटी के लिए, तो आपके पेरेंट्स भी उसी तरह एहतियात बरतने वाले थे क्या? वो उस तरह के ही माँ बाप थे जैसे आप माँ थी साहिबा के लिए, रिश्ते की तलाश में होता ना कि कुछ बड़े कंसर्न होते हैं? मैं वो कंसर्न थे, लेकिन उनमें एक खुदारी का ये आंसर था कि इस वक्त वे ये काम कर रही है तो हम सेल्फिशनेस ना करें कि तुम अपनी शादी ना करो। अच्छा। बहरहाल मेरी वो शादी हुई, नाकाम हो गई, वो मैंने खुद ही भुगता। तो इट्स ओके, उन्होंने मुझे ज्यादा वो बात नहीं हुई, क्योंकि जो मीडिया में आया वो साहिबा रेम्बो का बहुत ज्यादा आया है। और मैं इस पे फख्र महसूस करती हूँ, मैंने अपनी बेटी की एहतियात में अपने आप को विलन कहला लिया। पता नहीं क्या क्या लोगों ने मुझे कहा और कहा, लेकिन हर माँ बाप इसी तरह एहतियात नहीं। लेकिन आपने आपने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है ना, तभी माशाल्लाह। देखिए शादी चलाने में आदमी का हाथ तो होता है, लेकिन लड़की का भी होता है। सो आपकी तरबियत है जो साहिबा ने घर बसाया हुआ है, सो ये क्रेडिट तो आपको ही मिलता है। वरना इस किस्म के जो कपल्स होते हैं ना, उनकी शादी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। हाँ हाँ हाँ।